नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया के बारे में। भाई देखिए, ये आज की जो न्यूज़ में बता दूं, हालांकि दिसंबर में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। सऊदी में एक सिस्टम है कि बहुत सारे लोग कंपनी बिना बुलाए भी सऊदी पहुंच रहे थे, या कोई ऐसे बोल देता है कि आप आ जाओ वगैरह वगैरह। इस तरह से काफी सारे लोग सऊदी जा रहे थे, वहां जाके उनको पता लगे कि यहाँ पे जॉब नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनका खर्चा हो जाता है, यानी एक तरह से वो फंस जाते थे। जी हाँ, तो बता दूं, सऊदी अरबिया की तरफ से एक वर्करों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है। ये नियम आपके लिए अच्छा ही है भाई, बुरा नहीं है। इसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इंडिया से कहीं से भी कंट्री से अगर आप सऊदी अरबिया पहुंचते हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे कुछ चीजों का फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थान तक, अपनी कंपनी तक, अपने घरेलू नौकर, इसमें कौन का घरेलू वर्कर है, कंपनी के वर्कर है, कंपनी का कोई भी एक्स वाई जेड आदमी है, वो अपने आप उस जगह नहीं जा सकता। कंपनी का आपका मालिक या कंपनी आपको या कंपनी की गाड़ी आपको लेके जाएगी। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब आप यहाँ से एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, आप दुबई से लेके पहुंचे, डायरेक्ट फ्लाइट भी बहुत सारी कंट्रीज के भी ओपन हो रही हैं, आप कैसे भी पहुंचे तो एयरपोर्ट पे आपको रुकना होगा। जी हाँ, एयरपोर्ट पे आपको पूरा वेरिफिकेशन करवाना होगा, आप कहाँ जा रहे हैं, किसने बुलाया है, क्या काम है, कौन सा काम पहले करते थे, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। फिर आपके मालिक को, कंपनी को, जो भी आपके जहां आप जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट पे बुलाया जाएगा। जी हाँ, और एयरपोर्ट पे बुलाने के बाद, उनसे पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद, वो आपको एयरपोर्ट से लेके जाएगा। इसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि बहुत बहुत सारे लोग हैं जो इस चीजों में फंस चुके थे। ये शिकायतें आ रही थी सऊदी अरबिया में कि भाई लोग यहाँ के फंस चुके हैं, जिन्होंने बुलाया उन्होंने लेने से मना कर दिया, या फिर कंपनी ने मना कर दिया, काम नहीं है, रहने को जगह नहीं है, कोरोना में हम ये वगैरह वगैरह। तो आप लोगों की सुविधा के लिए कदम उठाया गया है कि भाई आपको कोई ऐसे ही फालतू में नहीं बुला सकता, अगर आपको बुलाया तो एयरपोर्ट पे वो आके आपको लेके जाएगा। ये आप लोगों के लिए अच्छा नियम सरकार ने बनाया। आपका जो मालिक है, कंपनी है, उनका भी वेरिफिकेशन होगा। ये नहीं कि कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, उनका पूरा वेरिफिकेशन होगा कि रियल में ये जो बंदा लेने के लिए आया है इसी के पास जा रहा है, इसी की कंपनी है, इसी की गाड़ी वगैरह, जो भी इनका प्रोसेस है, पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उनके साथ रवानगी दी जाए। सऊदी अरब में नए वीजा पे जाने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, ये नए वीजा वालों के लिए लागू है। खासतौर से मैं बता दूं, क्योंकि नए वीजा वालों के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है। आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा, और एजेंट भी बहुत सारे बेवकूफ बना देते हैं। अगर एयरपोर्ट से आपको कोई लेने ही नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती की है, एजेंट ने की है, सामने वाली जो पार्टी है उसने की है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए सरकार ने कदम उठाया, कोरोना काल में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। बस ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।